हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं इंग्लिश की क्लास लेकर के। और पिछले दो दिन से मैं बराबर क्लास ले रहा हूँ इंग्लिश के। बहुत लोगों के कमेंट आए हुए थे, सर इंग्लिश की क्लास आप लोग स्टार्ट करिए। तो इंग्लिश की क्लास मैंने चालू कर दी है ताकि आपको घर बैठे हर चीज़ अवेलेबल हो सके और छोटी छोटी चीज़ें जो है, छोटी छोटी बारीकी चीज़ों के बारे में पता हो सके, सभी को नॉलेज हो सके। हमारा मानना है कि नॉलेज होगा तभी सब कुछ अच्छा होगा। मैंने दो दिन से जो पढ़ाया था आर्टिकल के बारे में बताया था, एक दो क्लास हमारी हो गई हैं उसमें मैंने आर्टिकल के बारे में डिफाइन किया हुआ है। वो लोग आप लोग जो है क्लास यूट्यूब पर देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, हमारे जीए हाईटेक क्लासेस के नाम से चल रही है। और अभी तो इंग्लिश की क्लास चल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। मैथ की है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है और बहुत सारी क्लासेस आप लोगों को दी जाएंगी। तो इसलिए लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए और अच्छे से अच्छे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जो भी आप लोग पूछेंगे उसका जो है अच्छे प्रकार से आप लोगों को बताया जाएगा। ओके, बने रहिए और इसको ध्यान से आप लोग देखिए, समझिए कि इंग्लिश क्या है। तो आज हम आपको बताएंगे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस माने तो वाक्य होता है। सेंटेंस माने क्या होता है? वाक्य। सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, सभी क्लास में पढ़ाया भी गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, और हम लोग सभी लोग पढ़ते भी आ रहे हैं कि सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। तो वाक्य ये है क्या? आज मैं यही चीज जो है इस क्लास में जो है इस वीडियो के माध्यम से है आप लोग के सामने जो है इसको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करूंगा। आप उसको चैनल पर हमारे बने रहिए और बीच बीच में लाइक जरूर करते रहिए। अगर लाइक आप लोग करेंगे तभी हमारे पढ़ाने का हौसला जो है बुलंद होगा। और शेयर भी करिए और जितना इसको शेयर करेंगे तो उससे आपको फायदा होगा और हम भी एक से अच्छी अच्छी चीज आप लोगों के सामने बताएंगे, ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। तो वाक्य की तो होता है, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। और एक चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी कि अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट होते हैं, अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट होते हैं। तो सभी लोग कहते हैं कि 26 होते हैं। अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 सभी लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अल्फाबेट 26 होते हैं। अंग्रेजी में जो अल्फाबेट कितने होते हैं? एक। अल्फाबेट कितना होता है? वन होता है। और बाकी जो 26 हमारे होते हैं वो होता है लेटर्स। लेटर्स 26। अल्फाबेट्स हमारा जो सिर्फ एक ही होता है, ओनली वन होता है। और जो हमारे लेटर्स होते हैं वो हमारे 26 होते हैं। सबसे मेन पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे, दिस इज द मेन पॉइंट। अल्फाबेट सिर्फ हमारा एक होता है और लेटर्स जो होते हैं हमारे 26 होते हैं। और लेटर्स क्या होता है? लेटर्स से मिल करके वर्ड बनता है। किससे? लेटर्स जो है हमारा, लेटर्स से मिलकर क्या बनता है? वर्ड्स बनता है। वर्ड्स, लेटर्स से मिलकर के वर्ड्स बनता है। और वर्ड्स से मिलकर के क्या बनता है हमारा? वर्ड्स से मिलकर, वर्ड्स से मिलकर क्या बनता है? सेंटेंस। और सेंटेंस से मिलकर क्या बनता है? पैराग्राफ। पैराग्राफ बनता है। तो ध्यान देने वाली बात आपकी ये क्या है, क्योंकि बेसिक सब आप लोग समझेंगे तभी आपको पता चलेगा कि सेंटेंस होता क्या है। एक्चुअल में लेटर्स से मिलकर के बनता है वर्ड्स, यानी अक्षर को जब हम मिलाते हैं, अक्षर, लेटर्स का मतलब होता है अक्षर। लेटर्स को जब मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब शब्द। वर्ड्स का मतलब शब्द। और फिर शब्द को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? वाक्य। और जब हम वाक्य को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? पैराग्राफ। यानी कि पैराग्राफ, पैराग्राफ एक दो पेज का, आधा पेज का, कितना भी हो सकता है, 4-6-10 लाइनें भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है।
तो लेटर से मिलकर बनता है शब्द, वर्ड से मिलकर बनता है सेंटेंस, और सेंटेंस से मिलकर बनता है पैराग्राफ। अंडरस्टैंड, बहुत बारीक चीजें हैं। सेंटेंस अगर कोई पूछे कि क्या है सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, तो सीधी सी बात आप बताइए, लेटर से मिलकर शब्द बनता है, और शब्द से मिलकर के सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस से मिलकर के हमारा एक पैराग्राफ बनता है, जो हमारा पूरा क्या कहलाता है, इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, सेंटेंस की हम डेफिनेशन भी आपको बता दे रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य की परिभाषा, वाक्य की परिभाषा होती क्या है, तो देख लीजिए, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। सेंटेंस की डिफिनेशन, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, यानी कि वाक्य का जो समूह होता है, शब्दों का समूह जो होता है, शब्दों का समूह यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कि शब्दों का समूह जो होता है, वो हमारा क्या मिलकर बनाता है, कंप्लीट सेंस बनाता है। क्या बनाता है, कंप्लीट सेंस, तभी तो हमारा सेंटेंस होगा। सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि एक पूरा का पूरा वाक्य। अगर हम कहें कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये हमारा क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस है। राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा का पूरा क्या हुआ, हमारा ये एक वाक्य हुआ, यानी कि इसमें ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, इन सबको मिलाया गया तो हमारा क्या बना, एक वाक्य बना। तो वाक्य हमारा क्या बना, वो क्या बन गया, सेंटेंस, इस कार्ड सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ठीक, अब वाक्य तो आपने बना दिया, लेकिन वाक्य भी कई प्रकार के होते हैं। वाक्य तो चलो बन गया, लेकिन अब वाक्य भी कई प्रकार के होते हैं। एक ये सिंपल वाक्य हमारा बना। अब आप लोग कहेंगे, सर जी वाक्य तो बहुत प्रकार के होते हैं। बिल्कुल, यस, बिल्कुल राइट है, वाक्य कई प्रकार के होते हैं। तो हम इसमें आज जो है इसके प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। नोट कर लीजिए इसको, सब लोग कॉपी पे नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए, जल्दी जल्दी रफ कर दें। और इसके आगे हम बताएंगे इसके प्रकार क्या कितने होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, नोट करिए। ओके, अब देखिए, सेंटेंस एंड इट्स टाइप। सेंटेंस एंड इट्स टाइप, यानी कि सेंटेंस एंड इट्स टाइप, यानी कि वाक्य और उसके प्रकार। ये जो एंड हमने लगाया है, इसका मतलब क्या होता है, एंड, इसका मतलब क्या होता है, एंड। हम बारीक से बारीक चीजों के बारे में बताएंगे और हर एक चीज के बारे में आप उन लोग लेके चलेंगे, ताकि इंग्लिश में किसी को दिक्कत ना हो, किसी को किसी प्रकार का सामना ना करना पड़ा। एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आप लोग बताएंगे सेंटेंस के प्रकार। अब सेंटेंस के प्रकार क्या होता है, अब हम इसको दो भागों में बांटेंगे, दो भागों में, देखते रहिए आप लोग। क्लासिफिकेशन एक, क्लासिफिकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। क्या बोलते हैं, वर्गीकरण। और एक पार्ट इसका हम और दे देते हैं, क्या दे देते हैं, क्लासिफिकेशन टू, क्लासिफिकेशन टू, इसका भी क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण, यानी कि दो। तो मैंने इसको दो भागों में बांट दिया, मैंने इसलिए दो भागों में इसको बांटा है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, हर एक चीज
बारीक से बारीक आप लोग समझें कि सेंटेंस होता क्या है हमारा और इसके भाग क्या होते हैं। अब इसको जो है हम चार भागों में डिवाइड करेंगे, इसको भी हम चार भागों में डिवाइड करेंगे। नंबर एक असर्टिव, नंबर एक असर्टिव और असर्टिव और डिक्लेरेशन डिक्लेरेटिव सेंटेंस, नंबर दो आ जाएगा। इसकी हिंदी भी बता देते हैं आपको ताकि अच्छी तरीके से और भी समझ में आएगा। असर्टिव एंड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक अथवा कथात्मक, कथात्मक वाक्य। नंबर दो क्या हमारा आएगा? इंपरेटिव सेंटेंस। नंबर दो हमारा क्या आएगा? इंपरेटिव सेंटेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। हिंदी में क्या दे रहे हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। थर्ड आपका आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा आपका आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताया? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी कि स्वीकारात्मक अथवा कथात्मक वाक्य। सेकंड है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। तीसरा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोध वाक्य। अब दूसरा स्टेप हम इसमें बना देंगे, पहले में अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा आपका आ जाएगा अफर्मेटिव को सब लोग जानते हैं कि सकारात्मक वाक्य। इसका मतलब क्या होता है? सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। दूसरा आपका आ जाएगा निगेटिव वाक्य, निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। तीसरा आपका आ जाएगा इंटरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा आपका आ जाएगा निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड में हमने क्या बताया? अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हमने बताया आपको। इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम इसमें बताते हैं आपको असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को जल्दी जल्दी आप लोग नोट करिए, फिर इसको हम बताते हैं। सबसे पहली चीज आपकी जो है असर्टिव सेंटेंस, सबसे पहला हम आपको बताएंगे अब पहला चीज कि असर्टिव सेंटेंस आपका है क्या। असर्टिव सेंटेंस यानी कि स्वीकारात्मक और कथात्मक वाक्य होता है। इसको हम अगर इंग्लिश में इसको डिफाइन करें तो सच सेंटेंसेस स्टेट और फैक्ट, ओपिनियन और एंड आइडियाज। इसको हम अगर इंग्लिश में डिफाइन करें तो इसका मतलब क्या होगा? सच सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य
such sentences state or fact, opinion or an ideas or an ideas. जैसे अगर हम कहते हैं कि महात्मा गांधी is known as the father of nation, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं. इसकी डिफिनेशन भी हम लिखे दे रहे हैं, पहले की डिफिनेशन आप यहां पर आ जाइए. लिखे दे रहे हैं सच सेंटेंसेस स्टेट और फैक्ट और ओपिनियन और फैक्ट एंड आइडियाज. Assertive sentence, declarative sentence, such sentences state or fact or opinion or an idea. यानी कि जिसमें fact हो, opinion हो और ideas हो, वो सारे हमारे क्या वाक्य कहलाते हैं? Assertive और declarative sentence कहलाते हैं. जैसे हम एक example आपको बताते हैं, महात्मा गांधी example हम आपको बताते हैं. महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन. द फादर ऑफ नेशन, तो ये वाक्य आप देखिए, असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब सच सेंटेंसेस स्टेट और फैक्ट ओपिनियन और एन आइडिया. इसमें फैक्ट हो, फैक्ट का मतलब तथ्य होता है. फैक्ट का मतलब क्या होता है? तथ्य होता है. ओपिनियन का मतलब क्या होता है? राय या मशुरा होता है. और आइडियाज का मतलब होता है विचार. आइडियाज का मतलब क्या होता है? विचार. जैसे हम कहें महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी जो है राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, तो ये क्या है? ये फैक्ट है. इनको पूरी दुनिया जानता है. तो ये हमारा क्या है? ये हमारा फैक्ट हो गया. फैक्ट है तो ये हमारा क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस हो गया, यानी कि एकदम सिंपल सेंटेंस हो गया. ये सत्य है, यानी कि सकारात्मक भी है और तथ्यात्मक भी है, इसमें दोनों वाक्य आ गए. तो इसलिए महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन. अगर हम कहें दूसरा एक वाक्य और ले लेते हैं, श्री नरेंद्र मोदी, श्री इसको थोड़ा बिगाड़े दे रहे हैं, एक और हम बात बताते हैं आपको. दूसरा वाक्य बताते हैं, श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे नरेंद्र मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री हैं. तो यानी कि ये बात हमारी क्या है? फैक्ट है. ये बात हमारी क्या है? फैक्ट है, रियलाइज है, यानी कि क्लियर है. तो हमारा क्या हो गया? स्वीकारात्मक सेंटेंस हो गया, यानी कथात्मक वाक्य हो गया. अगर हम कह दें सिंपल सी बात, एक और एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, राम इज अ गुड बॉय. तो राम एक अच्छा लड़का है. लेकिन हमारी नजर में तो राम एक अच्छा लड़का है, लेकिन अब दूसरे की ओपिनियन क्या है ये तो हमको मालूम नहीं. लेकिन मेरे लिए राम एक अच्छा लड़का है, तो ये क्या हो गया? ये ओपिनियन में आ गया. ये तो हमारी राय है. ये हमारी क्या है? राय, ओपिनियन. जैसे मैंने कहा राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, यानी कि मेरे लिए वो अच्छा लड़का है. अब दूसरे के लिए है या नहीं है उससे कोई भी दिक्कत नहीं. तो ये भी हमारा सेंटेंस क्या हुआ? असर्टिव सेंटेंस हो गया. दैट्स क्लियर. नेक्स्ट देखिए, नोट करिए इसको, दूसरा बताते हैं, इंपरेटिव. नोट करिए, दूसरा आपको बताते हैं इंपरेटिव
सेंटेंसेस। दूसरा देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस, सच सेंटेंसेस आर यूज्ड, सच सेंटेंसेस आर यूज्ड, सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू परमिट, टू परमिट कमांड और रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य। क्या होता है? आज्ञा सूचक। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या हुआ? सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू परमिट, जिसमें परमिट भी हो, कमांड भी हो और रिक्वेस्ट भी हो, ये तीनों चीजें हो तो वो हमारा क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है। यदि हम किसी से कहें यू मे सिट नाउ, एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम कहें यू मे सिट नाउ, दूसरा अगर हम कहें यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ, अगर हम कहें गो देयर, अगर हम कहें लेट मी गो नाउ, लेट मी गो नाउ, तो ये क्या हमारे हुए? इंपरेटिव सेंटेंस। सच सेंटेंसेस आर यूज टू परमिट कमांड और रिक्वेस्ट, यानी कि जैसे हम कहते हैं यू मे सिट नाउ, यू मे सिट नाउ, मैं आदेश दे रहा हूं, यानी कि आदेश दे रहा हूं, परमिट दे रहा हूं, तो हमारा क्या हुआ? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। यू मे गो नाउ, गो देयर, लेट मी गो, यानी कि जिस वाक्य में, सिंपल सी बात आप ऐसा समझिए, जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाती है, निवेदन किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है या कमांड किया जाए, तो हमारा क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे हम कहें यू मे गो नाउ, तो मैं आदेश दे रहा हूं, आदेश दे रहा हूं, तो हमारा क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, जिसमें परमिट, कमांड, रिक्वेस्ट ये सारी चीजें कही जाए तो हमारा क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जल्दी से नोट करिए, रब करके आगे बताते हैं। अगला बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। सच सेंटेंसेस आर यूज्ड, सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछते हैं, ऐसे वाक्य यानी कि सच सेंटेंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछते हैं, जैसे आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हमारा क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे हम कहें व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, यानी कि इसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जब क्वेश्चन किया जाए किसी से और उसका हमको जवाब मिले, यानी कि क्यों, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी आर यू प्लेइंग, व्हाट इज योर नेम, तो हमारा क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। ओके, अगला है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगला आपका क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। सच सेंटेंसेस, सच आर यूज्ड, आर यूज्ड टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशंस, इमोशंस यानी कि भावना
भावना, अंदर की भावना जब हो तो हमारे क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं हाउ सैड, हाउ सैड, जैसे मैंने क्या कहा, हाउ सैड, जैसे मैंने कहा ओ, क्या कहा ओ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तो ये हमारा क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। और एक चीज और, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो है ये वाला निशान से पता चल जाता है ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, एक डंडा नीचे बूंदी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से इससे पता चल जाता है कि हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी कि भावनाएं हुर्रा अलास ये सारी चीज जागृत होती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यानी सच सेंटेंस आर यूज टू एक्सप्रेस इमोशंस यानी भावनाएं, ये सारी चीजें जागृत होती है उसमें, तो हमारा क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये वाला निशान जो है सभी में लगा होता है, ये निशान देखते ही आप पहचान जाइए कि सेंटेंस हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, तो ये आज हमने आपको बताया किस किस चीजों में बताया, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बताया। ये मैंने क्लासिफिकेशन का फर्स्ट टाइप बताया था। और कल मैं जो है एक कल जो वीडियो अपलोड की जाएगी, डाली जाएगी, क्लासिफिकेशन 2 की डाली जाएगी, उसमें मैं सारी चीजें बताऊंगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सारी चीजें बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, इसको आप लोग स्टेप बाय स्टेप नोट करिए, याद करिए, लर्न करिए, सीखिए। और इसमें कोई भी अगर दिक्कत लगे तो इसमें आप हमसे पूछिए, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, तत्पर हैं। और हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको भी, हमको भी, और उतना ही अच्छा लगेगा। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर बनाइए और लगे रहिए जीए हाईटेक क्लासेस में। ओके, धन्यवाद, बाय बाय, आई लव यू।